पाकृष, क्या प्यार निभाया है तुमने? बिना हमारा पक्ष सुने तुमने हमें गुनेगार ठहरा दिया। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी। हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हार। क्या पायल के हालत में आएगा सुधार? क्या पायल बदलेगी अब अपने आप को? बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन की, जिसके आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट, जहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब शो की कहानी आगे बढ़ती है और किस तरीके से हम ये देखते हैं। माय गॉड, इस शेमलेस पायल ने कृष को मैसेज किया है। जरा पढ़ो तो, पढ़ के देखो जरा कौन सी अब झूठी कहानी भेजी है। लिखा है कि मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो कृष, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे नाराज रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। देखिए, जरा भाषा पे गौर कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति है। कि यहाँ पर जो है पायल का एक्सीडेंट हो गया है, घर वालों को लगता है कि पायल मात्र एक ड्रामा कर रही होगी, कृष को फंसाने की कोशिश भी कर सकती है और इसीलिए कृष और विद्या को साथ में हॉस्पिटल भेजा जाता है। आने वाले एपिसोड में जहां पर कृष पायल से कहता है ये ड्रामा मत करो क्योंकि हम तुम्हारे ड्रामे समझ चुके हैं, ऊब चुके हैं, लेकिन पायल का सच में एक्सीडेंट हुआ है। पायल को होश आता है और पायल कृष से बात करना चाहती है। कृष से कहती है हाँ हमने ये सब किया ताकि तुम बिंदिया के ना हो जाओ, हमने तुम्हारे मुंह में ये सब किया है और क्या गलत है इसमें, अब यहाँ पर जो है हम चाहते हैं तुम हमें माफ कर दो और हमें घर ले जाओ। यहाँ पर कृष जो है इनकार कर देता है और पायल उसका हाथ भी पकड़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर क्या पायल को अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि अक्सर जब इंसान की चोट लग जाती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन क्या पायल को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में कृष और बिंदिया के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन पायल अब कौन सा पासा फेंकेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।